सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन ऑन अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बफरिंग विद शमुराई। तो हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट अपने सीजन के फिनाले के पास, और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी गेस्ट लाया हूं जो कि एक व्लॉगर हैं और उत्तराखंड की हैं ये। तो इनसे मिलाने से पहले मैं बता दूं कि इनका चैनल है एक यूट्यूब पे, उसका नाम है द रोविंग चिक। तो द रोविंग चिक, श्रेया आप अपना कैमरा ऑन कर सकती हैं और हमारे व्यूअर्स को दिखाइए। हे एवरीवन, हाय, हेलो 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 श्रेया, हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो कैसी हैं आप श्रेया, बताइए हमें। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, सब खूब भालो। तो आज जो श्रेया आई हैं गाइस आपके सामने, और श्रेया से मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, और काफी मशक्कत के बाद मैं पहुंचा श्रेया तक। काफी यहाँ वहां मैं क्या बताऊं, कहाँ कहाँ ढूंढा इनको, कहाँ कहाँ दौड़ा हूं मैं, और फिर अल्टीमेटली जाके श्रेया और मेरा टाइम, इनको इनके पीछे भागता भागता मैं काफी परेशान हो गया था, और अल्टीमेटली इनका मुझे खाली शेड्यूल मिला और आज श्रेया आपके सामने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि श्रेया उत्तराखंड की है और ये एक ब्लॉगर है। इनके चैनल का नाम है द रोविंग चिक। यू कैन फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम की इनके अकाउंट का भी हैंडल सेम है, द रोविंग चिक, और इनके यूट्यूब चैनल का नाम भी सेम है, द रोविंग चिक। तो द रोविंग चिक श्रेया आपके सामने है, और अब हम इनसे स्टार्ट करते हैं आज के बफरिंग के एपिसोड की सारे क्वेश्चन आंसर्स की शुरुआत। पहले आप स्टार्ट करिए अपने इंट्रोडक्शन से, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं आपके बारे में थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हाय एवरीवन, दिस इज श्रेया, एके द रोविंग चिक, जैसे कि शशांक ने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, जो कि मेरा सोशल मीडिया का हैंडल है। और मैं ट्रैवलर हूँ, व्लॉगर हूँ, एंड आई रिसेंटली स्टार्टेड व्लॉगिंग, और मैंने अपना ग्रेजुएशन पुणे से किया है, और मैंने वहाँ पे एक कंपनी में, एक स्टार्टअप में काम भी किया है फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, बट मुझसे ज्यादा वो मेरे मॉम डैड को जॉब ना पसंद थी, तो आई लेफ्ट द जॉब एंड स्टार्टेड वर्किंग विद माय ब्रदर, ही हैज हिज ओन बिजनेस हियर इन उत्तराखंड। तो तब एक्चुअली मुझे ये व्लॉगिंग वाली चीज काफी टाइम से करनी थी, बट वो ये है, एक टाइम नहीं मिल पा रहा था, प्लस करेज गैदर नहीं हो पा रहा था। तो अभी ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने सोचा कि नहीं, दिस इज द टाइम, नाउ आई शुड स्टार्ट दिस, तो मैंने स्टार्ट किया, एंड हियर आई एम, द रोविंग चिक इन फ्रंट ऑफ यू। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग कि श्रेया ने एक जॉब भी की पुणे में, वहां उन्होंने जॉब भी की, और उसके बाद अभी जाके उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपना पैशन भी फॉलो करना चाहती हूँ, लॉकडाउन ने मुझे टाइम दिया है, मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है। तो ठीक है श्रेया, आज आप हमारे सामने एज ए व्लॉगर, एज अ ट्रैवलर आई हुई हैं, तो ठीक है, क्यों नहीं पैशन को फॉलो करेंगे आप, ऑब्वियसली आप करेंगे, हम भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो आज का आपसे सवाल है पहला, वो तो ये है पहले कि ये जो आपका व्लॉगिंग का आइडिया था, जी, so from where did you get that? I mean, कहाँ से इसकी starting हुई थी, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? Okay, so I'll tell you a very interesting story. बचपन से actually मेरे parents are really very fond of traveling. तो मैं जब से छोटी, मतलब जब छोटी थी, तभी भी मेरे parents का जैसे mood बनता था कि चलो घूमने जाने का मन कर रहा है, तो चलो घूमने चलते हैं, because my father is a businessman, तो वो अपने यू नो अकॉर्डिंग टाइम निकाल लेते थे, और ऑल्सो ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ यू नो टेकिंग रोड ट्रिप्स, और ड्राइव करना उन्हें लॉन्ग रूट्स पे बहुत अच्छा लगता है। तो बचपन से ही आई थिंक क्लास फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही मैं काफ़ी घूमी हूँ अपने पेरेंट्स के साथ, फिफ्थ स्टैंडर्ड वाला मुझे याद है, तब से मुझे याद है कि मैं बहुत घूमी हूँ। तो एक स्पार्क ना वहीं से आ गई थी, उससे पहले का थोड़ा फेडेड मेमोरीज है, बट जो प्रोमिनेंट मेमोरीज है वो मेरी स्टैंडर्ड फिफ्थ से हैं, कि मैं बहुत घूमी अपने पेरेंट्स के साथ, और इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप्स होते हैं हमारे, अनप्लान्ड, एकदम अनप्लान्ड ट्रिप्स, कि चलो आज मन कर रहा है तो किधर को चले, फिर उधर को चलना है, चलो थोड़ी देर में प्लानिंग होती है, रात में प्लानिंग होती है, और सुबह हम निकल जाते हैं। तो ये मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और एक स्पार्क तो वहीं जनरेट हो गई थी कि यार बहुत फैसिनेटिंग है यार घूमना, देखो कभी भी हम निकल जाते हैं, कभी भी चले जाते हैं, और कितना अच्छा लगता है बाहर जाके। तो थोड़ा मुझ में एक स्पार्क वहीं से आ गया था,
और फिर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मुझे और इंटरेस्ट आने लग गया ट्रैवलिंग में. मैं खुद से एक्सप्लोर करने लग गई चीज़ें. अब मैं इंटरनेट मिल गया था तो मैं इंटरनेट पे देखती थी चीज़ें कि अच्छा कौन सी जगह है, कहाँ कहाँ है. तो इस तरह से मेरा जो ये व्लॉगिंग वाला पैशन है, ये स्टोरी है इसके पीछे. ओके, तो मतलब ऐसा है कि श्रेया के जो पापा हैं और फादर, उनसे इनको मिली मतलब ट्रैवलिंग की आदत. हाँ, ट्रैवलिंग की आदत, घूमने की प्रेरणा. ओ माय गॉड, ठीक है ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. सो माय सेकंड क्वेश्चन आई मीन फॉर यू श्रेया इज कि हाउ ऑकवर्ड इज इट फॉर यू, आई मीन एज आई मीन बीइंग अ गर्ल, हाउ ऑकवर्ड इज इट फॉर यू टू शूट योर व्लॉग्स इन पब्लिक. आई मीन ये मैं जानना चाहूंगा. ओके, तो वैसे देखा जाए इंडिया में ये चीज अभी थोड़ी रेयर है, बट देर आर प्लेसेस जहाँ पे लोग थोड़े इन चीज़ों को लेके, स्पेशली जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, उन जगह के लोग थोड़ा इस चीज़ को लेके ना फ्रेंडली हो रहे हैं, थोड़ा यू नो उस चीज़ से यूज टू हो रहे हैं. क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले तक ये नया था, अभी मैं देखती हूँ काफ़ी लोग आए हुए होते हैं जो एक्चुअली व्लॉगिंग कर रहे होते हैं. मतलब मैं अभी लास्ट ट्रिप पे गई थी नैनीताल, तो लॉकडाउन में गई थी इनफैक्ट, तो वहाँ पे मतलब लोग थे जो व्लॉगिंग करते. मैंने एक दो लोग देखे जो कर रहे थे मेरे अलावा भी. बट जहाँ तक बात है ऑकवर्डनेस की, वो ऑकवर्डनेस आती है क्योंकि हर कोई, हर बंदा, अब सपोज आप लोकलाइट्स के बीच में हो तो वो आपको देखते हैं कि ये क्या हो रहा है. उनके लिए ये दिस इज समथिंग न्यू, तो उनको नहीं पता. तो एक वो ना वो जो एक लेवल होता है वो आप अपने आप को समझा लेते हो कि लोग देखेंगे और आपको ये चीज करनी है. मतलब यू कैन नॉट गो एंड एक्सप्लेन एवरीवन कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. आप करोगे धीरे धीरे वो अवेयर होंगे, दे विल गेट यूज्ड टू इट. तो ये है कि वो ऑकवर्डनेस वाला लेवल खुद में एक बार अचीव हो जाए ना कि ओके छोड़ो, नहीं ध्यान देते, थोड़ा इग्नोरेंट आप जब हो जाओ उस चीज को लेके, तो वो थोड़ा आपके लिए सिचुएशन ईजी हो जाती है. ओके, इस क्वेश्चन में मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसे चलते आपको थोड़ा बहुत ऑकवर्ड फील हुआ कभी ड्यूरिंग योर व्लॉग्स, तो वो शेयर करें प्लीज. ये भी अभी मेरे साथ अभी हुआ है, अभी मेरी लास्ट ट्रिप पे नैनीताल में. तो एक्चुअली देयर वाज अ ग्रुप जो बैठ के सॉन्ग्स गा रहे थे, लोकलाइट्स थे, तो दे हैड अ गिटार और उनके पास एक स्पीकर था, तो वो मतलब सॉन्ग्स गा रहे थे, प्रैक्टिस करते, चार पांच लोग थे तो लोकलाइट्स थे. तो जैसे कहीं पे भी छोटे शहर, जैसे फॉर एग्जाम्पल भीमताल है, तो एक छोटा शहर है जहाँ पे लोग सब एक दूसरे को जानते हैं, तो वो अपना एंजॉय कर रहे थे टाइम. तो मैं गई तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. मैंने कहा अरे भाई यहाँ पे कोई गाना गा रहा है, तो मैं थोड़ा शूट कर लेती हूँ कि मतलब थोड़ा नेचुरल लगेगा. मैं उनको बोलूंगी और फिर वो मेरे लिए गाएंगे, तो दैट लुक्स थोड़ा यू नो बनाया हुआ. तो मैं ऐसी साइड में खड़े होकर ना उनको यू नो शूट करने लग गई. तो जैसे उनकी नजर पड़ी कि समबडी हैज a phone in her hand and a tripod and she's you know recording this thing, so thoda I felt ki wo thoda like ruk gaye, thoda nervous ho gaye, and like after like 10 seconds they stopped. To main unse zyada awkward ho gayi, main wahan se dheere dheere karke aage aa gayi. To ye ek incident tha. Matlab aapne rukwa diya unka gana. हाँ, तो मुझे इनफैक्ट ना अंदर अंदर बुरा लगने लगा. मैंने कहा आई थिंक मुझे पूछ लेना चाहिए था, बट आई वाजंट श्योर कि अगर मैं पूछती वो शायद मना कर देते. तो क्योंकि वो ऑब्वियसली वो रुक गए उसके बाद. मे बी शायद नहीं मना करते, मे बी शायद नहीं मना करते, बट वो ही है. हु नोस, लक समटाइम्स यू नो श्रेया, मैं समझ सकता हूं. मैं आपके व्लॉग्स के एस्पेक्ट से नहीं समझ सकता हूँ, बट आई एम अप्रोचिंग एवरीवन सो मैं समझ सकता हूँ. आपका ये जो व्लॉगिंग करियर है इसको क्या आपने फुल टाइम बनाने कुछ ऐसा सोचा है क्या, मतलब क्या सिनेरियो? हाँ, लोग यूजुअली इसको साइड वेज लेके चलते हैं, बट मैं इसको यू नो अपना फुल टाइम करियर बनाने का प्लान कर रही हूँ. आई एम प्लानिंग ऑल माय व्लॉग्स फॉर लाइक अ ईयर, मतलब अभी से एक साल तक, और साइड बाय साइड मैं अपने भाई का बिजनेस थोड़ा देखूंगी. तो दिस इज
श्रेया चाहती हैं कि वो अपना जो ब्लॉगिंग का पूरा इनका जो इंटरेस्ट है, जिनका पैशन है, उसको ये पूरी तरह से फुल टाइम करना चाहती हैं। तो यार मतलब मेरी तो सारी विशेष आपके साथ है श्रेया, ठीक है? आप बहुत बड़ी ब्लॉगर बन जाओ यार, मतलब यार जरूरत है मुझे कोई ना कोई ऐसा, मेरा एक फ्रेंड हो जो की क्या बता नहीं पा रहा हूँ मैं। अरे अभी हाँ. देखना you मेरे से जल्दी you will grow, I'm telling you. Thank you so much श्रेया, thank you so much. Good luck to you too. But मैं देख रहा हूँ आपकी मेहनत, मतलब आपके सारे चैनल को हमने स्टॉप किया और उसके बाद मतलब काम आपका इतना अच्छा, इतनी अच्छी एडिटिंग और इतने अच्छे व्लॉग्स आपके थे सारे। गाइज आप सब लोग प्लीज श्रेया के व्लॉग को जाके चेक करें, इनके सारे व्लॉग्स अच्छे हैं, ठीक है? आप इनके चैनल द रोविंग चिक जाके देखें, उसको सब्सक्राइब करें, ठीक है? और प्लीज सब्सक्राइब करें यार, ठीक है? और श्रेया आपको टाइम टाइम नए नए व्लॉग्स देती रहेंगी, नए नए जगह ट्रैवल करती रहेंगी, वो फुल टाइम ट्रैवलर है भाई, फुल टाइम ट्रैवलर है, ठीक है? तो वो अपने पैशन को फुल टाइम बना के, साइड नहीं है उनका, इट्स नॉट हर साइड, और उनका ये फुल टाइम होने वाला है। तो प्लीज जाएं सपोर्ट करें श्रेया को, और बस यही चाहता था मैं आप लोगों से कहना। तो जो नेक्स्ट था मेरा इसके बाद वो ये था कि जैसे आपने बोला कि आप फुल टाइम करने वाली हो अपने इस पैशन को, तो कितना सपोर्टिव आपका फैमिली, मतलब कितनी सपोर्टिव आपकी फैमिली इस चीज को लेके? तो मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे आर ओके विद मी ट्रैवलिंग, बट अभी इनिशियली एक्चुअली उन्हें भी बहुत शौक है, तो मैं जब घूमने की बात करती हूँ तो उनका खुद का ही मन कर जाता है, तो इंस्टेड ऑफ लेटिंग मी गो अलोन ऑन अ ट्रिप और सोलो ऑन अ ट्रिप, दे जॉइन मी, सो दे यू नो टैग अलोंग। मतलब कि पापा कहते हैं कि नहीं बेटा तुम अकेला मत जाओ, मैं भी चलेगा तुम्हारे साथ, मैं चलूंगा। हाँ मम्मी भी, इनफैक्ट इवन शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मम्मी भाई एवरीबॉडी इज वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, तो चलो भाई हम भी चलते हैं। अच्छा नई जगह ढूंढी है, ओके ओके ओके, कितनी दूर है यहाँ से? ठीक है चलो लेट्स प्लान एंड वी विल गो। एक्चुअली नॉट इवन प्लान, बस एक रात पहले बता दो। अच्छा ठीक है, देख लिया ना सब? हाँ हाँ देख लिया, चलो। तो बस उसका फिर टिकट्स बुक एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू श्रेया। और हाँ काफी अच्छे आंसर्स दे रही हैं आप, बहुत बहुत मजा आ रहा है मुझे। तो बहुत मजा आया मुझे, आगे मुझे पता है मेरी हालत खराब हो जाएगी, बट ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है कि अपार्ट फ्रॉम, देखिए इतना तो हमें पता चल गया कि आप पूरी फुल टाइम ट्रैवलर बनने वाली हो, मतलब बनने वाली क्या हो, आप बन गई हो फुल टाइम ट्रैवलर ऑलरेडी। हाँ हाँ, तो आप फुल टाइम ट्रैवलर, आप ब्लॉगर हो, तो अपार्ट फ्रॉम ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग what are the other interests, I mean श्रेया और क्या क्या करती हैं इसके अलावा? तो actually जो मैंने graduation करी है वो BSc in animations media and graphics में करी है, okay? And I have worked for almost a year as a 3D artist. इससे पहले मैंने graphic designing की भी job करी है when I was in first year, मतलब not job, internship kind of thing. तो apart from, if you talk about, you know, my interest, apart from vlogging, तो ये मेरा interest रहेगा. I like sketching, I have interest in art, I keep designing things, I really like doing illustrations, so this is what I would like to do apart from. So apart from vlogging, Shreya is an artist, तो ये चीजों को, I mean, आप ऐसे समझ लो कि ये चीजों को कंप्यूटर स्क्रीन से निकाल के रियल लाइफ में आपके सामने ला देती हैं। इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मैं दे सकता हूँ आपको, ठीक है? So, I mean, जो चीजें आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, मतलब ऐसा है कि 3D ग्राफिक डिजाइनर जो होता है, I mean, मैं जहां तक समझता हूँ, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग इसके लिए वो ये है कि जो चीजें आप देखते हो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, उसको ये आपके सामने जिंदा कर देती है लाके, बस। तो इससे बड़ी बात, मतलब यार, मतलब समझ सकते हो आप कि एक भगवान है और एक श्रेया, दोनों लोग। अरे रे रे रे। ये कुछ साथ हो गया। अरे यार ये पता है, ये 3D आर्टिस्ट वाला जो चीज है ना, वो एक गेमर से बेटर आई डोंट थिंक कोई और समझ सकता है। वही मैंने, तो मैं कह रहा हूं ना कि मतलब हाँ, मैं तो समझ गया, पर मेरे ऑडियंस को मैं कैसे समझाऊं, तो उसके लिए मैंने भगवान पे छोड़ दिया मैंने। गाइस भगवान है श्रेया, ठीक है? भगवान के बाद अगला दर्जा श्रेया का है, समझ सकते हैं कुछ भी। तो बीइंग अ ट्रैवल व्लॉगर, मैं जानना चाहता था कि आपके लाइफ का जो फर्स्ट कैमरा था
वो आपने कब कब मिला था आपको फर्स्ट कैमरा, क्योंकि अब तो कैमरा आपके लिए मतलब आपका एक बेस्ट फ्रेंड है अभी तो आपका, आई थिंक राइट है, मतलब कैमरा ही है जो है, बस आप और आपका कैमरा बस खत्म. तो फर्स्ट कैमरा का एक्सपीरियंस क्या था, मतलब कैसे क्या था वो कैमरा, कौन सा कैमरा था, कब मिला था आपको, मैं ये जानना चाहता हूँ. I think मैं 7th या 8th standard में थी, तब digital cameras आते थे, digital cameras. तो एक camera था उस time पे Sony का digital camera. तो that was my first camera, like my own. कि मैंने कहा था कि अब हम इतना घूमने जाते हैं तो we need a camera. In fact कहना मतलब इस चीज के लिए तो मुझे convince भी नहीं करना पड़ा, तो चाहिए था. It was it became a need. तो हमने फिर we bought a camera, digital camera. That was my first camera. तो ये तो चलिए आपका फर्स्ट कैमरा का एक्सपीरियंस हमने जान लिया. अब मुझे ये बताइए कि राइट नाउ आई मीन व्हाइल शूटिंग योर ब्लॉग्स, व्हाइल ट्रैवलिंग अराउंड, क्या क्या इक्विपमेंट्स होती हैं जो मतलब आपके जो फेलो ब्लॉगर्स होंगे वो भी जानना चाहते होंगे, मतलब जो भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए आप क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स. फॉर नाउ आई एम यूजिंग माई मोबाइल फोन विच इज आईफोन 7 प्लस, जिससे बहुत अच्छा शूट होता है. मैं बिल्कुल फ्लॉन्ट नहीं कर रही, बिल्कुल फ्लॉन्ट नहीं कर रही, आई एम लिटरली टेलिंग यू, इससे बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है. इट इवन रिकॉर्ड्स इन 4K. तो अभी तो यही मेरा इक्विपमेंट है, एंड आई हैव अ लाइक वेरी वेरी फ्लेक्सिबल ट्राईपॉड, बस ये और यू नो एक ट्राईपॉड. अब क्योंकि मैं इस चीज में नई हूँ तो मैं आगे जाके लूंगी, यू नो मेरा प्लान है GoPro लेने का. तो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइज यार जाइए पहले श्रेया के YouTube चैनल को देखिए, ठीक है, तो GoPro लेना, ठीक है. तो GoPro जो है वो आई मीन एक मतलब एक मस्ट नीड है आजकल के जितने भी ब्लॉगर्स हैं उनके लिए, ठीक है, जितना मैं जानता हूँ. तो GoPro तो भाई मतलब चाहिए श्रेया को. ये आईफोन से शूट कर रही है अपने, और कब तक ऐसे शूट करती रहेंगी आईफोन से, बताइए. तो आप जाए इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत जरूरत है इनको, GoPro लेना इनको, ठीक है. और आपका सपोर्ट ही वो चीज है जिससे हर व्लॉगर इंडिया में आगे बढ़ सकता है. तो बिल्कुल सही बात है, ऑडियंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हम, नहीं बढ़ सकते हम. मैं भी नहीं, मैं यही रह जाऊंगा, ठीक है, नहीं रह जाऊंगा, कुछ नहीं होगा मेरा, ठीक है. नहीं नहीं प्लीज, आप प्लीज, ऑल माय ऑडियंस, ऑल आवर ऑडियंस, प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, सिर्फ देख के ना जाएं, सब्सक्राइब भी जरूर करें. यार इस वाले पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत जरूरत है इसकी, ठीक है. आपके जो फ्यूचर व्लॉग्स हैं, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप सारा ही स्पॉइल कर दो, आई मीन अपने पूरे चैनल का जो पूरा पूरा आइडिया है वो स्पॉइल कर दो, बट मैं स्टिल ये चाहूंगा कि आपके फ्यूचर व्लॉग से कुछ 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 हम अपने चैनल पे एक्सक्लूसिव जान पाए, कुछ तो जरूर प्लीज, मतलब चाहते हैं जानना एक्चुअली. अच्छा कि मैं लाइक अभी कौन से व्लॉग्स डालूंगी? नहीं आपने, नहीं 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 नहीं, आपके माइंड में जो आपके फ्यूचर व्लॉग्स के लिए जो लोकेशंस है वो हम जानते हैं. अच्छा ओके ओके. तो यार मैं तो अपनी दो तीन जो मेरी ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं उनका नाम लेना चाहूंगी. वैसे तो मैंने इंडिया भी पूरा नहीं घूमा है, मेरे को लेह लद्दाख जाना है, ठीक है. तो लेह लद्दाख कैन बी वन, बट मुझे इटली जरूर जाना है एक बार. तो मेरे को एक लाइक व्लॉग जाके इटली में जरूर शूट करना है, वो मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है. और टर्की भी आई थिंक, अभी आई कैन गो ऑन, मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ, तो अभी यहीं पे रखते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते. तो ठीक है गाइस, इटली जाना है द रोविंग चिक को. यस, तो इटली समझ रहा है आप, आप लोग समझ रहे होंगे कौन कौन पहुंचाएगा इटली, समझ रहे ना आप लोग, आप लोग पहुंचाएंगे, आप लोग ही पहुंचा रहे हैं श्रेया को इटली, द रोविंग चिक जाएंगी, जरूर जाएंगी वो. और इटली का व्लॉग का लिंक मैं दूंगा आप लोग टेंशन ना ले, आप लोग जाएंगी वो इटली. परफेक्ट. काफी छोटा बजट है मेरे चैनल का, तो इटली तो नहीं भेज सकता हूँ श्रेया. सुशांत क्यों तो तुम ही भेजोगे मुझे इटली, तुम ही भेजोगे. मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है. ठीक है श्रेया,
currently Mark Manson. Okay. Okay. Yes. So, Shreya, what's your favorite cuisine? I mean, being a traveler, kuch to pasand hoga aapko bahut. Italian. Okay. So, Italian cuisine Shreya ka favorite hai, theek hai. Okay, Shreya. मुझे अपने फेवरेट इंडियन कॉमेडियन का नाम बताइए आप. यार कपिल शर्मा. कपिल शर्मा बेस्ट गाइस. कपिल शर्मा के लिए लाइक कर दो यार वीडियो प्लीज यार. मतलब यार बहुत सारे फैंस ऑफ कपिल शर्मा. ठीक है ओके. सो योर फेवरेट इंडियन ट्रैवल व्लॉगर. कैन आई नेम टू ऑफ देम. यस यस यू कैन श्रेया. किसी और को नहीं दिया हमने. किसी और को नहीं दिया सिर्फ आपको दे रहे. Thank you so much. Okay, one is Tanya Khanijo and the other one is Hopping Bug. Almost हम last question की तरफ हैं. Shreya, एक question मैं अपने channel से related पूछना चाहता हूँ. क्या मैं पूछ सकता हूँ? बिल्कुल. हाँ, so हमारे rapid fire का जो आखिरी question है वो ये है कि Shreya, video games. What was your, I mean, इसको थोड़ा दो questions कर देता हूँ मैं कि what was your first video game? पहले आप इसका answer मुझे बता दीजिए. Mario. Okay. And what was, I mean, what is your favorite video game till now? आपने games तो खेले होंगे, थोड़े बहुत तो खेल ही लेते होंगे आप. हाँ हाँ नहीं actually मैंने खेले हैं but अभी ना जो favorite वाला time था ना वो मेरा चला गया. वैसे मैंने Fortnite भी खेला है, PUBG भी खेला है but अभी ना favoritism नहीं आता games को लेके मुझे. तो I think मैं समझ पा रही हूँ दुख. मैं देखो मैं बचपन में ही खेलती थी गेम्स. आई थिंक वो एक गेम आता था रोड रश. डू यू रिमेम्बर रोड रश? अरे रोड रश मेरे पास अभी भी. क्या बात कर रही है. ओह माय गॉड वो माय फेवरेट पार्ट वाज. मैं स्पेस बार प्रेस करके से किक करती थी साथ वाले किक करती थी स्पेस बार के साथ. और फिर उसके पास कुछ इक्विपमेंट्स भी थे हंटर एंड रॉड्स एंड एवरीथिंग. या ओके राइट. तो वो मेरा फेवरेट हुआ करता था. तो गाइज हम लोग रैपिड फायर को यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि अब हम थर्ड सेगमेंट की तरफ पहुंच रहे हैं. ठीक है थर्ड सेगमेंट हमारा जो है उसमें हम कुछ ऑप्शंस देंगे श्रेया को जिन ऑप्शंस में से उनको एक ऑप्शन चूज करना हो. सो आर यू प्रिपेयर्ड श्रेया? आर यू रेडी? ओके यू शुड. सो या फर्स्ट वन फ्रेंड्स हाउ आई मेट योर मदर एंड बिग बैंग थ्योरी. Bazinga. Okay. Digital camera or Polaroid? Polaroids are so cute. Okay. So MacD, KFC or Subway? MacD because I am vegetarian. Okay. So Doraemon, Shinchan or Ninja Hattori? Shinchan. Okay. Pyara Shinchan. Diljit Dosanjh, Hardy Sandhu or Jesse Gill? जैसे कि ऑडियंस हमारे चैनल मेरे चैनल पे जाएगी तो उनको बीच ही बीच नजर आने वाला है क्योंकि मेरी चैनल आर्ट भी बीच वाली है. सो आई थिंक बीच इज द आंसर. ओके फॉर श्योर. ओके सो या नेक्स्ट क्वेश्चन रणवीर ऋतिक और शाहिद. यार आई थिंक रणवीर. इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ओके श्रेया लव्स रणवीर. ओके हैरी पॉटर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और सॉन्ग ऑफ फायर एंड आइस. हैरी पॉटर गाइस. पॉटरहेड. श्रेया पॉटरहेड है. पॉटरहेड ओके. यस मारियो पैकमैन कॉन्ट्रा. Mario. Yes, sir. आपने जवाब दे दिया था पहले. So the last question of the last segment of Buffering with Shamurai is here, and that is Snapchat, WhatsApp, or Instagram.
Instagram. That's it, guys. That's it from my side. और हो गया हमारा. नहीं, wait. रुको जरा, सबर करो. This show for like a few minutes from now is going to be about how I met Shashank. So I would like to tell my our audience that how I met you. So guys, Shashank को मैं कभी नहीं जानती थी. मैं आज उससे पहली बार इसे face to face बात कर रही हूँ. In person हम कभी नहीं मिले हैं. और हम जैसे मिले हैं, शशांक मेरी बेस्ट फ्रेंड की बहन का भाई है. सो काफी लंबी चेन है. और दिस इज हाउ वी मेट. और मैं आपके अपकमिंग गेस्ट्स के लिए एक एक पीस ऑफ एडवाइस एक इन्फॉर्म करना चाहूंगी उनको कि दिस गाय इज रियली वेरी कूल. तो जब आप इसके शो पे आ रहे हो तो आप बिल्कुल ऐसे नर्वस मत होना. आप सोचना भी मत. ये इससे मैं पहली बार ही मिल रही हूँ एंड आई एम फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे इंटरव्यू के टाइम पे वेरी कंफर्टेबल, लाइक बहुत कंफर्टेबल. तो दिस इज फॉर योर अपकमिंग गेस्ट कि आप बिल्कुल नर्वस मत होना यार, चिल करो, चिल बंदा. और आज आप श्रेया का चैनल देखें तो रोविंग चिक पे आप जाके जरूर हिट करें एक बार सब्सक्राइब बटन को. मैं तो चाहूंगा एटलीस्ट मेरे सारे व्यूअर्स, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स, आप लोग प्लीज एक बार श्रेया का चैनल चेक करें. आपको उनका काम बहुत पसंद आएगा. शी इज वेरी गुड इन वर्क. और तो गाइज मुझे कॉमेंट्स में प्लीज बताएं श्रेया कैसी लगी आपको. और श्रेया के चैनल को जरूर जाके देखें, ठीक है. और थैंक यू सो मच. ये था हमारा आज का बफरिंग का एपिसोड. सो गाइज दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. श्रेया कुछ और बताना है आपको, कुछ और कहना है आपको? Thank you so much for having me on your show, Shashank. It was really fun having conversation with you. और बहुत ही मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा मिलके with you as a person. तो बहुत अच्छा experience था. और thank you so much. Yeah, and thank you so much, Shreya. Thank you so much for coming on our show. तो गाइस कैसी लगी श्रेया और कैसा लगा बफरिंग का ये एपिसोड, प्लीज मुझे बताएं. आप डीएम कर सकते हैं मुझे, आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे. और प्लीज गाइस इस वीडियो को जरूर लाइक करें यार. मतलब श्रेया को हमने बुलाया. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. सो बाय बाय गाइस. श्रेया आप बाय कर सकते हैं हमारी ऑडियंस को, हमारे व्यूअर्स को. बाय एवरीवन. बाय बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. और गाइज प्लीज सेफ रहो आप लोग कोरोना में. एंड दैट्स इट. बाय गाइज, टेक केयर. Bye. 1, 2, 3, dream.